चक्रम जलौकाम् दधतमृतम् घटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्जनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् हम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप लोगों का स्वागत करता हूं, लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कुछ ब्रेक के बाद हम लोग मिले हैं, अब हम लोग रोज मिलेंगे, अब नहीं होगा। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक योग है जो हमारे संहिताओं में है, मतलब बृहत्त्रयी संहिताओं में है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग ने भी अगर ऐसा प्रयोग कुछ किया है तो आप लोग भी अपना अपना अनुभव यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सभी लोग का स्वागत है, सभी के सभी भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। और यहाँ पर मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हमारा चर्चा होता है तो कोई भी अनम्यूट करके डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि तो सारा लेक्चर हमारा फेसबुक पे यूट्यूब में राजीव जान, अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि डिस्टर्ब ना करें, तो वो जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड होता है हमारा, और हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है 7 बजे वाला, और आप लोग भी अपने अपने अनुभव यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दारवी रसांजन योग, ठीक है। तो इसके बारे में चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में 7वां चैप्टर में जो कुष्ठ रोग चिकित्सा अध्याय है, उसमें 61 नंबर का जो श्लोक है उसमें क्या है, दारवी रसांजन प्रयोजिता पहला है कि द्वि रसांजन योग और दूसरा है अभया योग। आप लोग सुनिए और आप एक मिनट रुकिए, यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग अभी फिर से शुरू करते हैं। दारवी रसांजन योग, यह चरक संहिता में बहुत ही अच्छा योग है, कोई भी अपना माइक है उसको अनम्यूट नहीं करेगा जब तक लेक्चर हो रहा है, बाद में आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक का, श्लोक में बताया है कि दार, दूसरा बोला है अभया प्रयोजिता वा मानसम सव्यश गुड तैला। आप लोग मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट कृपया रुक जाइए, मुझे नेटवर्क यहाँ पे सेटिंग करने दीजिए, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं। एक मिनट बस रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपकी बात समझ गया अनामिका जी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ,
अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, एक बार अनम्यूट करके बोलिए। अर्चना मैम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही। वो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, मैंने नेटवर्क चेंज किया है। तो हम लोग ना कुष्ठ व्याधि के अंतर्गत जो चरक चिकित्सा स्थान 7वां चैप्टर में 61 नंबर का जो श्लोक है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें दो योग बताएं, एक श्लोक में दो योग हैं। योग मतलब फॉर्मुलेशन। तो पहला बताए दार्वी रसांजनम वा गोमूत्रेण प्रभातते कुष्ठम, दूसरा बताए अभया प्रयोजिता वा मांसम तव्योष गुड़ तैला। ठीक है, तो पहले जो दार्वी रसांजन योग है ये हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद में दूसरा योग है उस पर चर्चा करेंगे। पहला जो है घटक द्रव्य है दार्वी गोमूत्र या रसांजन गोमूत्र, इसके बारे में बताएं। और दूसरा है अभयाव्योष गुड़ तेल, इसके बारे में बताएं। तो दार्वी रसांजन योग है ना, ये अगर हम लोग देखते हैं तो मैं जिससे पढ़ा रहा हूं या पीडीएफ मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद शेयर कर दूंगा जो आप लोगों को काम आएगा। तो पहला जो है दार्वी रसांजन कल्प का योग जो है उसका उल्लेख चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय, ये सभी में कुष्ठ चिकित्सा में शोधन होने के बाद, जब हम वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण जो भी करा देते हैं उसके बाद में, यह शमन के रूप में इसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है। चरक संहिता में इस कल्पना कल्प का वर्णन करने के पहले बोला है वक्ष्यामि गुट कुष्ठ प्रशमनम प्राय त्वक दोष सामान्यतः, मतलब यह इसका मतलब यह है कि चरकाचार्य जी ये बोल रहे हैं कि वक्ष्यामि मतलब अब मैं थोड़ी देर के बाद कुष्ठ शमन चिकित्सा के लिए जो त्वक रोग से मतलब त्वक दोष जो भी स्किन के छोटे छोटे भी प्रॉब्लम है या कुष्ठ रोग का शमन करने के लिए अब मैं कुछ द्रव्यों का जो है वह मैं बताऊंगा। और उसके बाद इन्होंने दार्वी रसांजन योग और अभया योग यह बताया है। मतलब अगर देखें तो व्याधि मेन कुष्ठ व्याधि और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए यह बताया गया है। दलनाचार्य जी ने सुश्रुत संहिता में ऐसा बताया है कि, और सुश्रुताचार्य जी ने भी इसके बारे में बताया है। दलनाचार्य जी ने कॉमेंट्री लिखी है, टीका लिखा है। तो दलनाचार्य जी बोल रहे हैं कि प्रायोगिका नैव योगा निर्देशन नाह पथ्येत्यादि, मतलब दलनाचार्य जी ऐसा बोल रहे हैं टीका में संस्कृत के कि ये श्लोक तो सुश्रुत ने भी बोला है। तो ये बोल रहे हैं कि यह जो योग है ये कंटिन्यू सतत अभ्यास करने अब सतत लेने के लिए यह हमें हमने बताया है। ठीक है, तो दार्वी गोमूत्र या रसांजन गोमूत्र इसके बारे में क्या बताया है? तो इसमें घटक द्रव्य तीन है। पहले है दारु हरिद्रा जो लकड़ी के रूप में हल्दी मिलती है, नॉर्मल हल्दी हमारा रूट वाला रहता है, हल्दी का मूल रहता है हम लोग यूज करते हैं, और दारु हरिद्रा एक अलग टाइप का हल्दी होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसको हम दारवी बोलते हैं। तो यह तिक्त कटु रसात्मक होता है, वेपाक में कटु होता है, वीर्य में उष्ण होता है, और इसके गुणकर्म देखें तो लघु और रुक्ष होता है, और यह कफग्न और पित्तग्न बताया है, कफ को नाश करता है पित्त का नाश करता है। यह उसी से दारवी से ही रसांजन बनाया जाता है, तो वह भी लिया है। और यह तिक्त कटु रसात्मक होता है, कटु विपाक का होता है, अल्प उष्ण होता है, और यह विषग्न बताया रसांजन, छेदन कर्म करता है, रसायन का कार्य करता है, और अंजन की प्रयोग किया जाता है, और यह दोषों में ये खासकर कफग्न कार्य करता है, कफ का नाश करने का कार्य करता है। और गोमूत्र फ्रेश गोमूत्र का प्रयोग बताया है, तो एक कटु रस, लवण रस और अल्प मधुर रस होता है, विपाक में कटु है, वीर्य में उष्ण है, और गुणकर्म में तीक्ष्ण लघु और अरुक्ष है, रुक्ष नहीं है, अरुक्ष बताया है, और यह कफग्न है, पित्त का शोधन करता है, और वातानुलोमन बताया है। तो इन सबको मिक्स करके इसका प्रयोग कुष्ठ रोग में करने के लिए बताया है। और फल श्रुति में ऐसा बताया है कि प्रबाधते कुष्ठम, मतलब यह कुष्ठ का नाश करता है। कुष्ठ व्याधि की संप्राप्ति में 7 द्रव्य संग्रहों का समावेश होता है, 3 दोष और 4 दुष्य। 3 दोष मतलब वात पित्त कफ, और दुष्य में 4 बताए हैं, त्वचा रक्त मांस लसिका, ऐसे 4 दुष्य बताए हैं। तो सभी प्रकार के कुष्ठ में अगर कुष्ठकर हेतु के वजह से तीनों दोष का प्रकोप हो जाता है, और त्वचा रक्त मांस लसिका इनमें शैथिल्यता आ जाती है, लूज पड़ जाता है, दुर्बल पड़ जाता है, वहां पे स्थान संशय करके दोष जो है वह दुष्यों के पास जाके आश्रित होकर स्थिर हो जाते हैं, और तेज होने लगता है, कुछ चीज ऊपर उठने लगता है, और वहां पे कुष्ठ व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं। यह व्याधि स्वभावतः चीरकारी है, मतलब बहुत दिनों में होने वाला है, और यह इनका जल्दी से जल्दी संप्राप्ति भंग नहीं होने वाला है, और यह धातुओं में जाके, और ये बहुत बड़ा
विकृति उत्पन्न करता है, ऐसा यह व्याधि कुष्ठ व्याधि होता है। अगर हम लोग कुष्ठ चिकित्सा देखेंगे तो हमें अवस्थिक विचार करना जरूरी पड़ता है कि कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या चिकित्सा करना चाहिए। उस हिसाब से अगर देखें तो दोष बहुत ज्यादा है तो वहां पे शोधन का उपक्रम करना बहुत जरूरी होता है। शोधन में हम लोग वमन देखते हैं, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण और आस्थापन बस्ती अनुवासन बस्ती, जैसा अवस्था होता है वैसा देना पड़ता है। दोष दुष्य समूर्चना अगर बलवान होता है तो पूर्व कर्म के लिए हमें सम्यक स्नेहन होना बहुत जरूरी होता है। स्नेहन अगर होगा, स्नेहन होगा तभी हम लोग वमन वगैरह दे सकते हैं। शोधन के बाद हम लोगों को यहाँ पे धातु बल रक्षा के लिए स्नेहन करना भी बहुत जरूरी होता है। धातुओं में शिथिलता आ गई रहती है। आप लोग के स्क्रीन पे एक फोटो आ रहा है, आप लोग एक स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, एक पेशेंट को हाथ में कितना धातुओं में ऐसा ये हो गया, ड्राइनेस आ गया बहुत ज्यादा। तो वहां पे धातुओं के बल के रक्षा के लिए, धातुओं का बल, बल मतलब वहां पे ताकत रहनी चाहिए, नहीं तो धातु शिथिल हो रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पे स्नेहन की बहुत जरूरत होती है। और बाकी तो हमें शेष दोष जो रहते हैं उसके शमन की चिकित्सा करना पड़ता है। कुष्ठ में अपुनर्भव के लिए रसायन चिकित्सा जो धातुओं का शिथिलता नष्ट कर देता है, और सारवन धातुओं की, सारवन मतलब सबसे अच्छे अच्छे धातुओं की निर्मिति करना करने लगता है। तो इन सब में हमें सबसे पहले शोधन करना जरूरी होता है। तो इसलिए चरकाचार्य जी ने बोला है कि पहले दोषों का शोधन कर दीजिए, शरीर से जो कचरा है वो निकाल दीजिए, और उसके बाद में शमन के लिए कौन सा दवाई सबसे पहले बताएं। तो शमन के लिए शोधन होने के बाद तारवी रसांजन योग बताएं या अभया योग बताया है चरकाचार्य जी ने। शमन के लिए जो शेष दोष बच गए हैं, जैसे कि आपने इंटेस्टाइन साफ किया विरेचन के बाद, तो कुछ दोष जो रहते हैं इंटेस्टाइन में चिपके चिपके रह जाते हैं, वैसे ही पूरे शरीर का अपने शोधन कर दिया लेकिन कुछ दोष नहीं निकल पाते हैं। वो इतने अल्प मतलब ऐसे लीन होते हैं या बहुत अंदर अंदर घुसे होते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है एक बार शोधन में, इसलिए वो चिपके, वहां पे शमन चिकित्सा करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो दारवी रसांजन और गोमूत्र का, यह उत्तम कुष्ठघ्न है, कंडुग्न है मतलब खुजली को ठीक करता है, विषघ्न है विष को दूर करता है, या फिर जो भी टॉक्सिन की वजह से या शरीर में आम दोष की वजह से या ऐसे भी जो टॉक्सिन हो गए विष, उसको ये नष्ट कर देता है। कफ प्रधान कुष्ठ में कंडू ये लक्षण रहता है, तब इसका प्रयोग बहुत ज्यादा अच्छे से होता है, जिसमें दारू हरिद्रा है, रसांजन है और गोमूत्र है। दारू हरिद्रा तिक्त कटु रसात्मक है, विपाक में कटु है, वीर में उष्ण है, इसलिए कफ अग्न है, कफ को दूर करता है। रसांजन भी तिक्त कटु रसात्मक है, कटु विपाक है और अल्प उष्ण है, और यह भी कफग्न कार्य करता है। गोमूत्र भी है वो कटु लवण, कटु विपाक का है, कटु और लवण रसात्मक है और उष्ण विरात्मक मतलब कफ के अपोजिट है। इसलिए जहां कंडू जैसा लक्षण रहता है, खुजली बहुत ज्यादा आती है, उसमें इसका प्रयोग जो दारवी रसांजन योग है उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। आप लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे योग देखे होंगे, मैं जो भी बता रहा हूँ ये क्लासिकल है, मतलब यह हमारे चरक संहिता में स्पेशली बताया गया है। इसके बाद में अगर विषघ्नत्व अगर हम लोगों ने देखे कि विष को दूर करता है, तो यह गर विष जो होता है जिसमें विरुद्ध आहार का समावेश होता है, जो स्लो पॉइजनिंग के रूप में दूध और मछली, दूध और नमक, मिक्स फ्रूट सैलेड, लोग क्या करते हैं दूध में सब्जी बना के खाते हैं या चाय चपाती खाते हैं या फिर चाय पराठा खाते हैं, जहां पर भी नमक और दूध का संयोग हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं गर विष शरीर में तैयार हो रहा होता है। तो ऐसे में हेतु प्रत्यनिक के रूप में हेतु को नष्ट करके और फिर चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मुख्य रूप में कफ प्रपक आहार विहार, जैसे कि लोग दूध और फल अभी आजकल गर्मी के दिन में बहुत खा रहे हैं, जो ये होता है मिल्क शेक, जैसे कि ऑरेंजेस और दूध मिला के लिया जा रहा है, जहां कफ दोष की दृष्टि हो रही है, या फिर मिल्क शेक और भी अलग अलग होते हैं, केला और दूध लिया जाता है, चीकू और दूध लिया जाता है, या फिर और भी जो पाइनएप्पल और दूध लिया जाता है, जो मिल्क शेक मिक्स फ्रूट का दूध में मिला के और पी लिया जाता है। तो यहाँ जो विरुद्ध कफ प्रकोपक विरुद्ध आहार हो रहा है, इसी तरह से नया धान्य खाया जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं कि नया धान्य खाने से कितनी बीमारी होती है। नया दही जो रहता है वो रोज खाया जा रहा है, सुबह शाम दोपहर रात दही का सेवन ज्यादा, मछली का सेवन ज्यादा, बहुत ज्यादा खट्टा चीज का सेवन, जैसे कि टोमेटो सॉस है, जैम है, इनका सेवन ज्यादा, खट्टी चीजें ज्यादा खाई जा रही है। और अजीर्ण में खाना पचानी और दिवा स्वाप करना, दिन भर सोते रहना, उन सब में
ये दार्वी रस, और जिनको स्किन प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए दार्वी रसांजन योग सर्वश्रेष्ठ रहता है। उसी तरह से स्थौल्य चिकित्सा में रसांजन का अग्रे बताया, भागवत जी ने बोला है कि अगर मोटापा कम करना है तो रसांजन का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो वह अग्रे बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया है। उसी तरह से नेत्र के रोग और कर्ण के रोग, मतलब आंख के और नाक के कान के सॉरी आंख के और कान के रोगों में तारु हृद्रा का बहुत ज्यादा कार्य क्षेत्र रहता है, और ऊर्ध्व जत्रु भाग में ये जो भी ऊर्ध्वांग की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए ऊर्ध्व जत्रु के ऊपर, मतलब हमारे सिर में होने वाले जितने भी कुष्ठ हैं, जैसे कि स्काल्प सोरियासिस हो गया या सोरियासिस हो गया, फेस में एक्ने हो गया, फिर उसके बाद में पिंपल्स हो गए या फिर रैशेस हो गए बहुत सारे, जहां पर भी फेस में होता है उसमें दार्वी रसांजन योग का प्रयोग करने से बहुत ही बढ़िया काम हो जाता है। उसी तरह से दूसरा कल्प जो बताया है, अभ्या प्रयोजिता वा मांसम सव्योष गुड़ तैला, इसमें अभ्या है जो कषाय रस प्रधान है, पांच रसात्मक ये द्रव्य है, अभ्या मतलब हरित की, ये इसमें मधुर आदि रस रहते हैं, कषाय रस प्रधान रहता है, उष्ण विरह रहता है और गुण में रुक्ष लघु सर होता है, दीपन पाचन काम करता है, विबंधन का नाश करता है हरित की, जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए सबसे बेस्ट दवाई है, और विशेषता कफ वातग्न है, कफ और वायु को दूर करता है। त्रिकटु इसमें डाला हुआ है, अभ्या व्योष गुड़ तैलम, अभ्या मतलब हरिती, त्रिकटु मतलब पिपली मरीच शुंठी, यह कटु रसात्मक होता है, विरे में उष्ण होता है, और त्रिकटु स्निग्ध और तीक्ष्ण होता है, दीपन का कार्य करता है, कफ वात कफग्न का कार्य करता है, मेदोग्न काम करता है, मेद को नष्ट करता है, ठीक है, तो यह डाला हुआ है। उसी तरह से गुड़ है, गुड़ जो हम लोग गुड़ खाते हैं ये भी नया गुड़ नहीं जो होना चाहिए, थोड़ा पुराना होना चाहिए, ये मधुर रसात्मक मीठा होता है, विपाक में मधुर होता है, वीर में शीत होता है, स्निग्ध और लघु होता है। पुराना गुड़ जो होता है अनिभिसंधि बताया, मतलब वो अनाभिसंधि स्रोतस को अवरोध नहीं करता है, ना ही उजिंग करता है, वह सबश्रेष्ठ रहता है। मल और मूत्र का वातानुलोमन करता है, मल मूत्र और वायु का अनुलोमन करता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन गुड़ खाते हैं पेट साफ होता है, यूरिन नहीं हो रहा है, गुड़ खिलाइए उनका यूरिन अच्छे से होगा, और वायु भी अपान वायु जो रुकी हुई रहती है पेट में, गैस का प्रॉब्लम वो सब ठीक कर देता है। गुड़ को हृदय भी बोला है, हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है। उसी तरह से तेल, तेल मतलब तिल का तेल, तो यह तिक्त मधुर कषाय रहता है, तिक्त और मधुर रहता है और कषाय अनुरस रहता है, यह विपाक में मधुर रहता है, वीर्य में उष्ण रहता है, और विकासी विशद और सूक्ष्म रहता है, विकासी मतलब सभी स्रोतों में फैल जाता है तुरंत ही, सूक्ष्म रहता है और यह मेदोग्न रहता है, मेद को नष्ट करता है, और वात कफग्न रहता है और दीपन कार्य करता है। पहले श्रुति अगर देखेंगे अभया व्योष और गुड़ तेल का, ये जो अभया योग है, अभया त्रिकटु गुड़ और तेल, इनका योग जो है ये कुष्ठ का नाश करता है, प्रबाधते कुष्ठम ऐसा बोला है, ये कुष्ठ को नष्ट करने वाला है। और इसमें प्रधान द्रव्य कौन सा है, तो हरित की है, हरित की जो है वह चरक संहिता और अष्टांग हृदय में सबसे पहले, सर्व व्याधियों में सबसे पहले कुष्ठग्नत्व ऐसा बताया है कि ये कुष्ठ को नष्ट करता है, कुष्ठग्न द्रव्य है, ठीक है। उसी तरह से कुष्ठग्न महाकषाय में भी हरितकी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जब हमने गुड़ और तेल यूज किया तो यह कुष्ठ कारण होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आता है कि गुड़ और तेल का सेवन करने से तो सोरेसिस बढ़ता है, लेकिन फिर इनका प्रयोजन क्यों डाला हुआ है, तो इन्होंने दलनाचार्य जी ने बोला है कि जब हम लोगों ने गुड़ और हरितकी तेल और त्रिकटु डाला है तो इनका प्रभाव अचिंत्य है, मतलब वो हमारी बुद्धि से परेगम है और उसका रिजल्ट प्रभाव से आता है ऐसा बताया। हम लोग सादा तेल और गुड़ खाएंगे, अलग अलग खाएंगे तब स्किन को प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ हरितकी भी डाला है और त्रिकटु भी डाला हुआ है, तो इसलिए गुड़ और तेल का दुष्परिणाम नहीं होके गुड परिणाम मतलब अच्छा परिणाम आने लगता है। और कुष्ठकर हेतु मतलब ऐसा होता है कि कुष्ठकर हेतु जो रहते हैं, जैसे कि अभिसंधि पदार्थ खाना, विरुद्ध अन्न खाना, तो ये जब हम लोगों ने ऐसे द्रव्य यूज किए कुष्ठ मतलब कुष्ठकर हेतु में, गुड़ और तेल का सेवन बार बार चरक संहिता में बोला है, ऐसे द्रव्य जो है उनको एक तरह का ऐसे मिलता है, गति मिलता है, जो दुष्यों के तरह, दुष्यों की तरफ गामित्व मिल जाता है उनको, तो गामित्व का उपयोग करने के लिए कुष्ठकर हेतु जैसे गुड़ और द्रव्य
पाथवे में लेके जाए, वो रास्ते में ले जाए जो दुष्य तक जाता है, उसके लिए तेल और गुड़ का प्रयोग कर रहा है। और मेन दवाई तो हरिद्के और त्रिकटु है, इसलिए इसका प्रयोग हो सकता है। या फिर तीसरा कारण ऐसा बताया कि लीन दोष का उत्क्लेशन करने के लिए, क्योंकि तेल और गुड़ जो होता है वो दोषों का उत्क्लेशन करने में, जो लीन है एक एक सेल में जाके घुस गए, घुस के बैठ गए, उनका उत्क्लेशन करने के लिए तेल और गुड़ का प्रयोग करना है। और यह नित्य अगर हम लोग गुड़ तेल अभया और त्रिकटु का करते हैं तो अल्पाल्प नित्य शोधन करने के लिए की तो है ही, वो शोधन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरा है कि तेल और गुड़ जो रहते हैं स्निग्ध गुणात्मक होने होता है तेल और गुड़, तो इसलिए रुक्षण नहीं होता है। हरिद्की का जो साइड इफेक्ट होता है कि हरिद्की लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कर सकते हम लोग, हरिद्की बहुत ज्यादा ड्राइनेस लाती है और नीम भी बहुत ज्यादा ड्राइनेस लाता है, तो हरिद्की का साइड इफेक्ट ना हो इसीलिए तेल और गुड़ डाल के मिक्स करके ये योग बनाया गया है। इसमें त्रिकटु है ये उत्तम अग्नि दीपक है, अग्नि दीपक का मतलब जाठराग्नि दीपक है, धात्वाग्नि दीपक है, भूताग्नि दीपक है, इसलिए इसका प्रयोग किया है। दूसरा है कि दोष दुष्य समूर्छना भंग होने के लिए, यहाँ पर धात्वाग्नि को प्रदीप्त करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए त्रिकटु युक्त त्रिकटु हरिद्की गुड़ और तेल इनका योग से बनाया गया। ये आप लोग खुद भी घर में बना सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा एलोपैथी का प्रयोग करते हैं और उनको ना दीर्घकालीन एलोपैथी के जो ड्रग्स लिए जाते हैं, जो स्किन पे डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट देते हैं, उससे फायदा नहीं हो रहा है, तो कुष्ठ के लक्षण सौम्य हो जाते हैं, लेकिन हेतु का बल के वजह से व्याधि का बलाधिक के ऐसा रहता है बहुत ज्यादा। हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि रोगी का स्किन तो थोड़ा ठीक हुआ है लेकिन पूरा क्योर नहीं हुआ है, ऐसे में इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से हम देखें तो सुश्रुत संहिता में जो मैंने बताया दारवी रसांजन योग, जो दारू हरिद्रा रसांजन है और गोमूत्र इससे मिक्स करके बनाया है पहला योग, और दूसरा क्या बताया अभया अभया योग, मतलब उसमें अभया मतलब हरिद्की है, त्रिकटु है, गुड़ है और तिल तेल है, इसको मिक्स करके बनाया। तो इनका संदर्भ ग्रंथ क्या है तो सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान 9th चैप्टर में 44 और 46 नंबर का श्लोक, अष्टांग संग्रह में भी बताया, वृद्ध भागवत का अष्टांग संग्रह में भी चिकित्सा स्थान में 21 और 21 चैप्टर में 33 नंबर का श्लोक में बताया। दोनों कल्पों की अगर हम लोगों ने तुलनात्मक सारांश निकाला, कंपैरिजन किया, तो दारवी रसांजन योग है ना ये कफ पे काम ज्यादा करता है, जहां पे स्निग्ध गुण बढ़ा हुआ है, शीत गुरु लक्षण ऐसे बड़े हैं, मृदु गुण बढ़ा हुआ है, तो ये दारवी रसांजन योग कफ पे काम करता है। हरिद्की का योग अभया योग जो है वो कफ और वातग्न है, मतलब जहां पे शीत गुण बढ़ा है, गुरु गुण बढ़ा है, स्थिर गुण बढ़ा है, कहीं कहीं रुक्ष गुण भी बढ़ा हुआ है वायु पर, तेल वाला तो स्निग्ध कर देगा और उसको, और यह मतलब जहां पे वायु और कफ बढ़ा है वहां पे हरिद्की योग देना अच्छा रहता है। उसी तरह से दारवी रसांजन योग है वह ऊर्ध्व जत्रुगत भाग, मतलब अपने ऊर्ध्व जत्रु मतलब उत्तमांग में जहां पे या फेस वगैरह में जो हुआ है वहां पे दारवी रसांजन योग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, जैसे उसमें त्वचा रक्त मांस और ऊर्ध्व जत्रु भाग जहां दूषित है वहां पे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हरिद्की योग तो पूरे बॉडी में कोई भी स्किन का प्रॉब्लम है उसमें फायदा करते हैं। हरिद्की योग में क्या है तो हरिद्की है, त्रिकटु है, गुड़ है और तिल तेल है, इसको मिक्स करके खाने के लिए देना है, ठीक है। और मांस धातु की दृष्टि है, रक्त धातु की दृष्टि है और मेद धातु की दृष्टि है, वहां पर इसका प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। दोनों द्रव्य जो है ये शोधन होने के बाद ही शेष दोषों के शमन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और दारवी रसांजन योग मोटे लोगों में जो स्थूल रोगी हैं उनको देने में ज्यादा फायदा करते हैं, जिनका विरुद्ध अन्न का हेतु है, जो विरुद्ध चीजें खाते हैं उनके लिए दारवी रसांजन योग सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह से हरिद्की योग जो है वो दोष अगर लीन अवस्था में रहे या नित्य तो लीन अवस्था में रहे और नित्य अल्पाल्प उनका शोधन करना है हमें, थोड़ा थोड़ा दोषों को निकालना है, जो शोधन से नॉर्मल शोधन वमन विरेचन से नहीं निकल रहे लेकिन एक एक सेल से हमें लीन दोषों को निकालना है, वहां पे हरिद्की योग जो है जिसमें हरिद्की है, त्रिकटु है, गुड़ और तेल है, वो दिन से धीरे धीरे शोधन होता है और पेशेंट कम से कम 3-4 महीने में पूरी तरह से स्किन अच्छा हो जाता है, नया नया आ जाता है और स्किन पूरा अच्छा हो जाता है, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। तो अर्चना मैम मैं आपको अनम्यूट करने का बोलता हूँ, अर्चना मैम आपको ये योग काम आएगा, मैं आपको ये PDF दूं? हाँ सर जरूर सर भेजिए सर।
हम यूज करेंगे सर, ये 100% तारगी रसांजन योग और अभ्याय योग, ये चरक संहिता में बताए, अपने सारे संहिता ग्रंथों में बताए, तो आप लोग जरूर यूज करेगा और हमें भी बताएगा। बाकी आपने कभी दारू रुद्र का प्रयोग स्किन प्रॉब्लम में या हरिद्की का प्रयोग किया है? श्वेता मैम आप कुछ बताना चाहेंगी, आपने दारू रुद्रा या हरिद्रा का प्रयोग किया है क्या, किन के प्रॉब्लम? अजय जी आप बताएंगे? अजय जी प्रणाम। किसी ने? हाँ प्रणाम, आपका म्यूट हो गया। हाँ श्वेता मैम आप बताइए। नहीं सर मैंने नहीं किया अभी कभी ये तारवी रसंजन का प्रयोग सर अभी, लेकिन करके देखूंगी। आप जब, हाँ मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को, तो आप इसका मतलब ये अपने पास रखिए और जरूर यूज करें, क्योंकि स्किन के पेशेंट बढ़ रहे हैं, लोगों में विरुद्ध धन क्या हो रहा है, लोग खा रहे हैं और बाद में स्किन प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, और एलोपैथी में फायदा नहीं होता तो आयुर्वेद में आते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछ। हाँ हाँ पूछिए सर, ये जो दारवी रसंजन का आपने एक्ने में बोला ना, तो ये सभी टाइप के एक्ने के काम करेगा या सिर्फ जिसमें इचिंग है और थोड़ा कफ कफ का ये है, नहीं काम वाला है? सब जहाँ पे स्निग्ध गुण बढ़ा है, कफ प्रधानता में जहाँ पे दाह वगैरह है वहां पे गोमूत्र वाला ये दारवी रसंजन योग काम नहीं करेगा, ये खासकर कपग्न है, इसको याद रखिए। थैंक यू सर। और हरित की योग कफ वातग्न है, पित्त वाले में नहीं देना है इनको। जी सर थैंक यू सर। थैंक यू अजय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने यूज किया है अजय जी दारू हरिद्रा का प्रयोग किया है प्रैक्टिस में? सर नहीं, लेकिन मतलब एक पेशेंट है उसके लिए सोचता हूँ। उनको इचिंग हो रही है और पानी पानी आ रहा है, पस आ रहा है स्किन में? जी हाँ पस आ रहा है सर। हम लोग ये नया नया योग क्यों पढ़ते हैं, नया नया फॉर्मुलेशन क्यों पढ़ते हैं, कि जो पेशेंट को रेगुलर दवाइयों से फायदा नहीं हो रहा है उनके लिए कुछ अलग सोचा जाए, अलग किया जाए, इसीलिए ये नया नया योग हम लोग पढ़ते हैं अप्रोच। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी आपने यूज किया है क्या ये? अगर नहीं यूज किया है तो कोई बात नहीं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं, तो ठीक है अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम 8:15 पे मिलेंगे, इसका हम पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, और अब से रेगुलर सारे क्लासेस सारे लेक्चर्स होने वाले हैं, तो आप सब लोग जुड़े रहिए, नया नया चीज रोज सीखने को मिलेगा। तो प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू आप सभी लोगों को, नमस्ते। प्रणाम।